काफी ऊंची ऊंची सीढ़ी है गाइस। ओह माय गॉड, काफी डेंजरस है यहाँ पे, रात में कोई आते बाते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज हम आए हैं निजामुद्दीन और आज आपको हम लेकर के जा रहे हैं अजीज कोका के मकबरे पे। तो दोस्तों ये जो एक ऐसा मकबरा है ना जो कि मुगल काल के एक ऐसे नोबल का मकबरा है जो कि मुगल सल्तनत में काफी नाम रखते थे। लेकिन आज क्या है गाइस, आज हम लोग निजामुद्दीन आते हैं, हजरत निजामुद्दीन के दरगाह पे जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बगल में जो अजीज कोका की जो मजार है उस पे हम नहीं जाते, उसे हम नहीं देखते। तो दोस्तों हमने आपको परसों घुमाया था अतागा खान का मकबरा। तो ये जो अजीज कोका का जो मकबरा है असल में अतागा खान के बेटे ही है वो। और ये जो है गाइस बिल्कुल जो मेरे पीछे जो मस्जिद दिख रही है ये बंगले वाली, इसी मस्जिद के आगे दरवाजा है, उसी दरवाजे से इसमें एंट्री होती है। और दोस्तों इसके अलावा आपको हम ये बता दें, ये जो मिर्जा अजीज कोका है ना ये अकबर के काफी खास आदमी थे और ये कितने खास थे, कैसे खास थे वो आपको हम बताएंगे अजीज कोका के मकबरे पे जाने के बाद। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आप जा सकते हैं मिर्जा अजीज कोका के मजार पे और इसी से जो है ना आप जा सकते हैं मिर्जा गालिब की मजार पे भी। तो देखिए यहाँ से इसमें हम एंट्री किए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके ये इसका एम्बियंस है। और ये जो आप देख रहे हैं ना गाइस ये है असल में उस महल, और ये जो अपने सामने देख रहे हैं ये है यहाँ पे 64 खम्बा, और ये जो असल में ये कहलाता है मिर्जा अजीज कोका का मकबरा। और दोस्तों जहाँ तक हम इसका टिकट की बात करें तो यहाँ पे आने का कोई टिकट नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन जो है काफ़ी नज़दीक है इसके, आप बस से भी आ सकते हैं, बस स्टैंड से बिल्कुल नज़दीक है। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं यहाँ से आप जो है यहाँ से इसमें एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से जो है ना आप इसका पूरा एम्बियंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो चारों तरफ यहाँ पर निज़ामुद्दीन की बस्ती है और उसी बस्ती के बीच में जो है ना ये 64 खंबा यहाँ पे बना हुआ है। और गाइस इसी दरवाजे के अगल बगल आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह का जो है दरवाज़ा बना हुआ है। तो फिलहाल जो है ना हम लोग इसमें जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे इस तरह की सीढ़ी बनी हुई है और ये आप देखिए कितनी ऊँची सीढ़ी है। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा इसमें जाके देखते हैं इसमें क्या है, काफ़ी ऊँची ऊँची सीढ़ी है गाइस, ये आप देख सकते हैं भाई साहब बिल्कुल पहाड़ के जैसे लग रहे हैं दोस्त गाइस। और ये आप देख सकते हैं गाइस ये इधर से जो है ना इस तरह का है। ओ माय गॉड, अब आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रात में कोई आते वाते हैं यहाँ पे सोने वोने के लिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आप देखिए ये कितना डरावना लग रहा है दोस्तों, आप इधर भी देख सकते हैं थोड़ा इस साइड पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। और इसी के ऊपर जो है ना सीढ़ी यहाँ पे और जा रही है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं ये है इसके ऊपर का पूरा नज़ारा है ना, तो इस तरह से आपको दिख सकता है गाइस। तो ये रहा उस महल और इसके वहाँ पर जो है वो है 64 खंबा। तो आप देख सकते हैं कितना खौफनाक लग रहा है। और इधर से भी एक सीढ़ी आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इधर से भी सीढ़ी है, लेकिन ये जो सीढ़ी है ना ये असल में यहाँ पे बंद कर दी गई है। तो हम लोग जो है अभी वापस उसी सीढ़ी से जाएंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ना ये काफ़ी ऊंची है, काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ी है, ऊपर जाने में जो है संभल संभल के आना पड़ेगा आपको, इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी डेंजरस है ना, और गंदगी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर चाहें तो इसके ऊपर आ करके जो है ना एक्सप्लोर यहाँ पर कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। तो गाइस इस तरह से हम लोग जो है ना ऊपर घूम घाम के नीचे आ गए हैं, काफ़ी मज़ा आया। और अब जो है ना हम लोग जाएंगे 64 खंबा में, ये आप देख सकते हैं ये है 64 खंबा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं 64 खंबा में और यहाँ पर जो है हमें आने का बहुत मन था, काफ़ी टाइम से हम यहाँ पर आने का सोच रहे थे लेकिन आज मौका मिला हमें यहाँ पर आने का। तो फिलहाल जो अभी हम इसके चारों तरफ जाएँगे, एक एक चीज़ घुमाएँगे और आपको हम इसका इतिहास बताएँगे। तो दोस्तों ये देखिए ये है इसका मेन दरवाज़ा, और अगर आप दरवाज़े के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर जो है ना कुरान की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा गाइस तो ये जो है बिल्कुल मार्बल का बनाया गया है। और यहाँ से हम इसके अंदर जाते हैं और अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ना टोटल 64 पिलर्स हैं और इसलिए जो है ना इस मकबरे को कहा जाता है 64 खंबा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारी मज़ारें हैं,
तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो मज़ारे हैं ये असल में मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के बहुत सारे रिश्तेदारों की मज़ार है। तो आप देख सकते हैं हर एक मज़ार के ऊपर जो है ऐसा गुंबद है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर से देखिएगा ना तो ये गुंबद आपको नहीं दिखता है। छत जो इसकी पूरी फ्लैट है, लेकिन अंदर से ये गोल आकार में आपको दिख सकता है। और जितनी मज़ारे आपको दिख रही हैं ना गाइस, ये आप देख सकते हैं ये हर एक गुंबद के सेंटर पॉइंट पर हैं। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये देख सकते हैं आप, ये है मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की मज़ार, ये भी इस वाले गुंबद के बिल्कुल सेंटर में है। और ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर से जो है ना कितनी प्यारी लग रही है। और इस साइड से दोस्तों यहाँ से भी हम बाहर जा सकते हैं, और यहाँ से बाहर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है ना बहुत सारी मज़ारें आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों की, बड़ों की बहुत सारी मज़ार हैं। तो ये सब भी आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एक कब्रिस्तान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़, ये एक बच्चे की मज़ार है उस टाइम के, और ये भी देख सकते हैं ये भी मज़ार है। तो इस तरह से आप पूरे में जो है ना ये आप देख सकते हैं कि ये मज़ार ही मज़ार यहाँ पे टोटल कब्रें हैं, और कब्रें ही यहाँ पर बनी हुई हैं। और इधर से भी आप देख सकते हैं कि ये जो 64 खंबा यहाँ से पूरा का पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप दीवारें देखिएगा गाइस, तो ये जो पूरा 64 खंबा है ना, ये असल में यहाँ से इन इस तरह की दीवारों से यहाँ पर घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और वहाँ पर एक दरवाज़ा है, अभी तो फ़िलहाल बंद है, तो उस ज़माने में जो है ना ये सब दरवाज़ा हुआ करता होगा, लेकिन अभी सारा बंद है। ये जो इसका पीछे वाला हिस्सा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मेहराब इस तरह से बने हुए हैं। तो अगर आप चारों साइड से देखिएगा ना, तो हर एक साइड में जो है ना आपको ये 5 मेहराब 5 दरवाज़े आपको देखने को मिलेंगे। और हर एक दीवार में जो हर एक मेहराब में जो है ना इस तरह का एक मार्बल का जो स्क्रीन है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों जहाँ तक हम 64 खंबा के बारे में बताएँ, तो इसमें जो है मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की मज़ार है। और ऐसा कहा जाता है कि इसे जो है 1622 से 23 के बीच में ख़ुद मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका ने अपने लिए बनाया था, और 1624 में मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका का इंतकाल हो गया था, तो फिर जो उन्हें जो है ना यहीं पर आकर के दफना दिया गया था। और दोस्तों अब आपको हम बताते हैं ना कि मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका और अकबर कितने काफ़ी क्लोज थे, और अकबर जो है ना मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका को कितना मानते थे, मतलब मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका जो है अकबर के काफ़ी बहुत ही बड़े महबूब थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ना कि अकबर और मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका दोनों की जो पैदाइश है वो एक ही साथ की है, यानी 1542 के टाइम में अकबर भी पैदा हुए थे और मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका भी पैदा हुए थे। और उस ज़माने में गाइस 3 बच्चे ऐसे थे जो उस मतलब पूरे महल की रौनक थे, अकबर, मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका और आदम खान। ये तीनों जो है ना उस टाइम के बच्चे थे और एक साथ जो है खेलते कूदते बड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों इतिहास तो कुछ और मंजूर था, और जैसा कि हमने आपको अतागा खान के मकबरे में बताया था कि इसी आदम खान ने मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के बाप यानी अतागा खान को मार दिया था। और दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है ना कि अकबर इन दोनों के दूसरे भाई थे, यानी मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के भी और आदम खान के भी। और क्या इनका इतिहास था गाइस, आप दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं अतागा खान की और आदम खान की। फ़िलहाल अभी हम आते हैं अज़ीज़ कोका के बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों जहाँ तक हम आदम खान वगैरह की बात करें, तो 1562 तक जो है ना इनका इतिहास ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब 1573 होता है और इन लोगों ने गुजरात पर जब कब्ज़ा किया था, तो अज़ीज़ कोका को जो है उन्होंने गुजरात का गवर्नर बना दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद जो है ना मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के अंदर जो है काफ़ी मतलब पता नहीं ऐसा सुस्ती कह सकते हैं या कुछ ढीलापन उनके अंदर था। जब अकबर ने इन्हें कहा कि तुम जा करके गुजरातियों का जो रिवेल हुआ है उसको बगावत को रोको, तो उन्होंने मतलब काफ़ी ढील बरती। और बाद में अहमदाबाद में जो है ना इनको गुजरातियों ने जब इनको मतलब कैद भी कर लिया था, बाद में जब अकबर की फ़ौज वहाँ पर आती है तब इनको छुड़ा लेती है। और दोस्तों उसके बाद जब 1579 में मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका को अकबर ने बिहार का गवर्नर बनाया और उनको बोला कि देखो बंगाल में जो बगावत है उसको जाके रोको, तो फिर वहाँ पर जो है उन्होंने काफ़ी लेट किया उसमें, इतना लेट किया तब तक जो बंगालियों की जो बगावत थी ना वो बिहार तक पहुँच गई। लेकिन किसी तरह से इसको रोका गया। और जब उसके बाद जब उन अकबर ने कहा कि 1586 में तुम जा करके डेक्कन में जो भी बगावत हो रही उसे रोको, तब फिर वहाँ पर भी जो है ना मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका ने वहाँ पर भी मतलब काफ़ी ढील बरती। और यहाँ तक ऐसा उनको मतलब ऐसा कैजुअल एटीट्यूड का कहा जाता है कि जब 1592 में जब अकबर ने इनको इनकी पेशी मांगी थी अपने दरबार में, तो ये मक्का चले गए और वहाँ पर जो है कुछ धार्मिक काम में बिज़ी हो गए और काफ़ी पैसा वहाँ पर उन्होंने उसमें उड़ा दिया। तो मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की जो कहानी है वो अकबर के टाइम की भी है और जहांगीर के टाइम की भी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है ना अकबर के टाइम में उनकी काफ़ी मतलब मान थी, लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया गाइस, तो जहांगीर के टाइम में जो है ना उनकी ज़्यादा मान उतनी नहीं हुई, उनकी मान थोड़ी सी कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम बात यह है ना कि अकबर के टाइम में ही अकबर ये चाहते थे कि उनके जो पोते हैं यानी जहांगीर के जो बेटे हैं खुसरो मिर्ज़ा वो गद्दी पे बैठे हैं, और अकबर जो है जहांगीर से खुश भी नहीं थे।
और खुसरो मिर्ज़ा जो थे वह काफ़ी इंटेलिजेंट भी थे और काफ़ी बहादुर भी थे और उनके अंदर जो है देश प्रजा को संभालने की जो ताकत भी थी। तो ये देखकर के अकबर चाहते थे कि खुसरो मिर्ज़ा ही बने, लेकिन जहांगीर चाहते थे कि वो बने। दूसरी चीज़ ये भी है कि मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की जो बेटी हैं, एक बेटी, उनकी शादी हुई थी खुसरो मिर्ज़ा से, यानी जहांगीर के बेटे से, और मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका भी यही चाहते थे कि खुसरो मिर्ज़ा ही आगे गद्दी संभालें। और इसी तरह से आगे चलकर के जो है ना 1605 में जब अकबर का इंतकाल हो जाता है, तब जहांगीर ने गद्दी पर कब्ज़ा कर लिया और 1606 में खुसरो मिर्ज़ा ने बगावत कर दी अपने बाप के ख़िलाफ़। और इस बगावत में जो है ना उनका साथ कौन देते हैं, उनके ससुर यानी मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका और उनके मामा मानसिंह वन, और इन दोनों, लेकिन तब भी इनके साथ होने के बावजूद जो है ना जहांगीर ने बगावत को रोक दी। और दोस्तों इस बगावत जो हुई थी ना, जहांगीर को ये लगता था कि इसमें मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका का काफ़ी बड़ा हाथ है, इसलिए जो है ना उसको सज़ा तो ऐसे कुछ हुई नहीं, लेकिन उनका जो भी ओहदा था मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका का अकबर के टाइम में, वो सारा कुछ कम हो गया। जहांगीर के टाइम में तब भी कुछ ना कुछ रहा मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका का, लेकिन मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की जो औलाद थी आगे, उनका जो है जहांगीर या उसके आगे के किसी भी राजा के टाइम में उनका कुछ भी ओहदा यहाँ पर नहीं रहा। तो दोस्तों ये जो जगह है ना, ये एक ऐसी जगह है जो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, लेकिन हम लोग इसे देखते भी हैं, इसके दरवाजे को भी देखते हैं बाहर से, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि अंदर में है क्या। और जब हम अंदर में आते हैं तो हमें जो है ना ये मुगल के टाइम का ये एक मार्बल यहाँ पर दिखता है। और दोस्तों मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की खास बात ये भी है ना कि वो दिल से चाहते थे कि खुसरो मिर्ज़ा यानी उनके दामाद और जहांगीर के बेटे वही अकबर के बाद गद्दी पर बैठे, और उनकी ये तमन्ना थी कि वो अपने दाएं कान से सुन लें कि वो बादशाह बन गया है और बाएं कान से जो उनकी रूह निकल जाए। तो आप सोच सकते हैं कि उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत और कितना ज़्यादा प्यार उनको अपने दामाद के साथ था। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि 2010 में एक यहाँ पर जश्न हुआ था जिसे हम कहते हैं जश्न खुसरो, तो जिसमें जो है पाकिस्तान और भारत के जो कुछ कलाकारों ने, कुछ कव्वाल ने हिस्सा लिया था। तो बेसिकली वो जो जश्न खुसरो है ना, वो यहीं पर 2010 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के मकबरे 64 खंबा के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो में किसी नए धमाके के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।